फास्टनेस के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे फास्ट करने 14 टेंस, फास्ट करके 14 टेंस। फास्ट करके 14 टेंस का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेड आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके यूजेस की क्या बात है, सबसे पहले देखिए क्या निकल रहा है, कह रहा है पास्ट टेंस का हम ज्यादातर यूज किस लिए करते हैं, स्टोरी टेल करने के लिए। कह रहा है कि अगर हम स्टोरी टेल कर रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, तो उस जो चीजें जो बातें हम बता रहे हैं उससे पहले कोई ऐसा एक्शन हो जो चल रहा हो, तो उस एक्शन को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल टेंस का यूज करते हैं। यानी हम स्टोरी को किस तरह करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में बताते हैं, तो जब सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस से पहले कोई एक्शन घट रहा या हो रहा होगा या चल रहा होगा, उस एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, इस एग्जांपल में आई हैड इन वर्किंग टू फोन यू, इस सेंटेंस को देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, फिर हैड है, फिर बीन है, फिर उसके बाद वर्ब की पार्ट सॉरी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई नहीं लगा, क्योंकि कंटिन्यूअस का सेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा है, आई नहीं, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा हुआ है, जब तुम मुझे फोन किए थे, जब तुम मुझे फोन किए थे, उससे पहले क्या एक्टिविटीज हुई थी, देखिए क्या एक्टिविटीज चल रही थी, कह रहा था आई हैड बीन वंडरिंग टू फोन यू, मैं तुम्हें फोन करने के बारे में वंडर कर रहा था, सोच रहा था, तो
हम देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी पास्ट में हुई या फोन करने की एक्टिविटी पास्ट में हुई थी। ठीक उसी से पहले एक दूसरी एक्टिविटीज ऑनगोइंग तैयारी चल रही थी। क्या चल रही थी? जिसके दिमाग में चल रहा था कि मैं तुम्हें फोन करूँ। तो ऐसे सेंटेंस को पार्टिकल करते हैं, इसका यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट पार्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, जैसे वी हैड टाइम टू डाउनलोड द टेक्स्ट फॉर इट्स एंड सडनली वर्क हो गया। देखिए वी हैड टाइम टू डाउनलोड, इस साथ साथ पास परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और उसके साथ दूसरा सेंटेंस कौन सा है? सडनली वर्क हो गया, ये सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में कौन सा एक्शन होता है? इट वर्क, यानी ये सही से काम करना शुरू किया। ये सिंपल पास्ट है। ठीक उसी से पहले कौन सा एक्शन चल रहा था? ठीक उससे पहले एक्शन क्या चल रहा था कि मैं पेजेस पर टेक्स्ट डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले जिस समय ये वर्क करना सही से वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है वर्क देख सकते हैं। ये हुआ पहला है जब हम सिंपल पास्ट में किसी स्टोरी को क्लियर करते हैं। इससे पहले अगर कोई एक्शन ऑनगोइंग है उसको दिखाने के लिए पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब आगे दूसरे सेकंड यूज को देखते हैं। इसका सेकंड यूज क्या है? देखिए लिखा हुआ है व्हेन वी यूज द परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फॉर एन एक्शन दूसरा यूज क्या लिखा हुआ है? कह रहा है पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को उस एक्शन को दिखाने के लिए यूज करते हैं व्हेन एक्शन गोइंग ऑन, जो किसी एक्शन से पहले चल रहा था, यानी अब क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, या अब आगे कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो पहले वाला एक्शन जो चल रहा था उसको दिखाने के लिए पास परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। या तो पहले वाला एक्शन चलते हुए अभी रुक चुका है, या चलते हुए रुका है, हम आगे और कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो पहले वाला एक्शन जो हमारा चल रहा था उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी है मेरे पास रहते हैं। ठीक है, उस सेंटेंस को आप समझ लें।
डी एम का दूसरा है, कुल मिलाकर ये दोनों मुद्दे इससे यानी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं कि जब कोई एक्टिविटीज किसी एक्शन से पहले ऑनगोइंग थी या चल रही थी उस एक्टिविटीज को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आइए अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। शहर में घूमने का, शहर के चारों तरफ घूमने का मायने करने का फैसला
फैसला किया, तो फैसला किया किसने, सिंपल पास्ट है, पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड पार्ट, वर्ब की सेकंड पार्ट में डिसाइडेड सेकंड पार्ट हो जाएगी, डिसाइडेड हो जाएगी, डिसाइडेड टू डू प्राप्त सिटी एज जैसे ही वो थ्रू द सिटी शहर से होते हुए, जैसे ही वो शहर से होते हुए वॉक, वॉक के मतलब क्या होता है, वॉक यानी चल रहे हैं, जैसे ही शहर का चक्कर काटते हुए चल शहर से गुजर रहे थे, यानी देखिए इसकी क्या एक्शन को लिखा है कंटीन्यूअस फॉर्म, यानी वो चल रहे हैं, यानी एक एक्टिविटी है कोई ऑनगोइंग चल रही है, ऑनगोइंग एक्टिविटी को दिखाने के लिए हम इसे यूज करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस से सबसे पहले एक्शन और बाद में वर्ब, तो एक एग्जांपल का आप रही है बाद आएगा और बाद का बाद ही बाद वॉकिंग थ्रू द सिटी जैसे ही वो शहर से होते हुए चल रहे थे, ही वेयर्स एन ओल्ड टाइम लेदर, ही वर्ब का है पास, पास का मतलब होता है एक लाइन एन ओल्ड बूढ़े टाइम लेदर, लेदर का पतीला है वो, क्या वो कह रहा है कि जैसे वो शहर से होते हुए चल रहे थे उनकी नजर किस पर पड़ी, या वो पास है गुजरे, वो एक अंधे गरीब लेखक के पास से होकर गुजरे, यहाँ पर गुजरे सिंपल पास टेंस है, क्या है ना पास का काम कर लेकर पास हो गए। उसके बाद क्या है द बेगर डैश पास बाय फॉर मनी, बेगर जो है पास बाय, पास बाय मतलब होता है राह की, जो राह में चलते हुए तो मुझे पास बाय है जो रास्ते से गुजरते हुए, तो पास बाय से मनी के लिए अगर आज पूछता है, यानी उस भिखारी ने उस पासर बाय से मनी के बारे में पूछा, यानी पैसा देने के बारे में पूछा, तो पूछने के लिए ये बताया सिंपल पास है तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे जो जो पैराग्राफ दिया गया उसको समझना है और अपने हिसाब से अपने हिसाब से सिंपल पास से पास जो लगेगा उससे आपको फिलअप कर देंगे। बात करते हैं सामने।